नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित उच्च पेंशन के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इनमें से लगभग 59 मामलों पर आज 25 मई 2021 को सुनवाई हो सकती है। तो यह जो अपडेट है, तो जी हाँ दोस्तों, आज की सुनवाई के संदर्भ में है। 25 मार्च 2021 को EPS 1995 पेंशन धारकों के जो लगभग 59 मामले हैं, तो वो सुनवाई के लिए लिस्ट किए गए हैं। इससे पहले जो 2 दिन में सुनवाई हुई, तो EPS 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो उनके ऊपर जो है वो कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो मिसेस दाइची सैंको कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऑस्कर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जो मामला है, तो उनके ऊपर 23 मार्च और 24 मार्च को सुनवाई हुई। इसके ऊपर एडवोकेट मिस्टर श्याम दीवान से पूछा गया था कि लीडिंग वेयर लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन फर्स्ट सेशन, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। तो जी यहाँ पर 24 मार्च 2021 को यह जो मामला है, तो इसके ऊपर जो सुनवाई है वो 1 बजे तक 24 मार्च को होगी। पर EPS 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो वो EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो 24 मार्च को मामले हैं, तो वो सुनवाई के लिए यहाँ पर लिस्ट नहीं किए गए थे। ऐसे में 24 मार्च को भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो कोई भी यहाँ पर जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। तो जी हाँ, यहाँ पर 23 मार्च को भी सुनवाई हुई थी, पर यही मामला जो है वो सुनवाई के लिए लिया गया था। और इसके ऊपर जो बाकी सुनवाई है वो 24 मार्च को ही, उसके बाद EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं, तो वो यहाँ पर लिस्ट नहीं होने की वजह से 24 मार्च 2021 को इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई थी। पर यहाँ पर ये जो अपडेट है जिसमें बताया गया है कि ये जो 25 मार्च 2021 है, यानी आज EPS 1995 पेंशन धारकों के लगभग ये जो 59 मामले हैं, तो वो सुनवाई के लिए लिए जा सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये जो जानकारी है वो हमें मिली है, जिसमें EPS 1995 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो मामले हैं, तो वो यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ भी मैं साझा करने वाला हूँ। इसे डाउनलोड करने के लिए आप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, और ये जो पूरी लिस्ट है तो उसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन से मामलों पर आज सुनवाई होने वाली है। तो जी दोस्तों, सुनवाई के बाद जो भी अपडेट आएगा, तो उसके बारे में हम आपको एक लाइव सेशन लेकर इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, जिसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट्स है, जो लाइव सेशन आने वाला है, तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के संदर्भ में ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को नीचे जो रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है, आने वाले अपडेट्स है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा, तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।